मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, बिजली के बिलों से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर आ रही है। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की ओर से दायर याचिका पर विद्युत दरों की बढ़ोतरी न करने का निर्णय सुनाया है। डिस्कॉम के फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। आसान भाषा में समझे तो प्रदेश में फिलहाल बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी और न ही फिक्स चार्ज बढ़ेगा। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम के फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 5% सरचार्ज लगाया गया है। सुबह 6 से 10 बजे तक औद्योगिक इकाइयां संचालित होती है तो वह इस दायरे में आएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। आम उपभोक्ताओं के इस साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से चिंतित राजस्थान सरकार भी अब जल्द ही ऐसा कानून बनाएगी जिससे वैक्सीन नहीं लगाने वालों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं सुबह के। नए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामले भी काफी चिंताजनक है, लेकिन इस कदर हालात नहीं बिगड़े हैं कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाए। लगे हाथों उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि राजस्थान में कतई भी शराबबंदी नहीं होगी। भले ही जयपुर के एक ही स्कूल में 12 बच्चों के एक साथ कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अभिभावकों और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन राजस्थान के नए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि केवल जयपुर में ही यह मामले सामने आए हैं, वह भी स्कूल के हॉस्टल में है। ऐसे में फिर से स्कूलों को बंद करने या कम क्षमता के साथ संचालित किए जाने का फिलहाल कोई भी विचार नहीं किया गया है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में कोरोना ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान भी 14 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। 87 एक्टिव केस अकेले जयपुर में है। चिंता की बात यह है कि अब स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर, हाल ही राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने राजेंद्र गुड़ा ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के एक बयान की याद ताजा कर दी। लालू ने 16 साल पहले कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी चिकनी बनाएंगे। अब राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि हेमा मालिनी बुढ़ी हो गई है, अब सड़कें कटरीना केप के गालों जैसी बनेगी। दरअसल एक तरफ जहां राजस्थान महिला अपराध के मामले में टॉप पर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के जिस मुखिया पर अपराधों को नियंत्रित करने का जिम्मा है, उसी के मंत्री महिलाओं को लेकर बेहुदा बयानबाजी करने से पास नहीं आते। प्रदेश और देश की अगली बड़ी खबर, जैसा कि हम कल शाम वाले वीडियो में आपको बड़ी अपडेट दी थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, यानी कि अब अगले 4 महीनों तक गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा सकता है। आसान भाषा में समझे जो फ्री में गेहूं मिलते हैं वो अगले 4 महीनों तक और मिलते रहेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद बुधवार को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई जिसमें अहम फैसले गए हैं। बैठक में तय हुआ है कि मंत्री प्रतिदिन अपने आवास पर जन सुनवाई करेंगे और हर महीने अपने प्रभार वाले जिले में 2 दिन का दौरा करेंगे। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।